नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन ट्यूब पर। हरियाणा सचिवालय में आज पूरे हरियाणा से नगर पालिकाओं के चेयरमैन पहुंचे। सफीदो, गोहाना, जींद, सरीखे हर नगर से चेयरमैन और उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे। मसला था डीडी पावर को डीडीए को देने के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने सभी चेयरमैन नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता के पास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे। 6 अगस्त को अब गोहाना में वो मीटिंग करेंगे, एसोसिएशन बनाकर सरकार के खिलाफ धरना देंगे, सरकार का विरोध दर्ज कराएंगे, आगामी रणनीति बनाई जाएगी अगर डीडी पावर उन्हें वापस नहीं दी गई। क्या कहना था इस मौके पर, आइए आप खुद सुनिए चेयरपर्सन की जुबानी। क्या विषय था, किस लिए पहुंचे? मैं रजनी इंद्रजीत विरमानी, चेयरपर्सन नगर परिषद गोहाना। आज मेरे साथ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चेयरमैन सभी सब शहरों से यहाँ पहुँचे हैं। हमें पता चला है कि हमारे डीडी पावर डीएमसी को देने जा रहे हैं, तो ये किसी भी चेयरमैन को ये मंजूर नहीं है और हम इस बात से एग्री नहीं हैं उनके इस फैसले से कि हमें हम जनता द्वारा चुने गए हैं। कोई हमारा इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं था, तो हमारे पावर को बढ़ाने की बजाय कम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी चेयरमैनों ने फैसला लिया है कि हम गोहाना में 6 तारीख को ये मीटिंग रखने जा रहे हैं और अपना मैसेज सीएम तक पहुंचाने की ये पूरी वो कर रहे हैं कि हमारी ये कोशिश भी है और हमारी ये सोच भी है कि जिस ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे काम को देखते हुए हमारी पावर को बढ़ाने की बजाय कम करने की सोच रहे हैं, तो हमारे से ये पावर नहीं ली जाए। आज चंडीगढ़ आप पहुँचे थे, किन से मिलने आ पाए? आज हम अर्बन लोकल बॉडी के मिनिस्टर कमल जी से मिले। उनके सामने हमने अपना मैटर रखा। सभी चेयरमैन ने बताया कि हम इस मैटर को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दें, हम सीएम तक आपकी बात को पहुँचा देंगे। तो क्या उन्होंने कोई संतुष्ट सा जवाब दिया है? क्या संतुष्ट है आप उनके जवाब से? संतुष्ट पूरा हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए उनकी बात से, क्योंकि वो इस फैसले को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर आपकी पावर ली जाएगी आपके साइन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं भी एक मिनिस्टर हूँ, तो आप लोगों को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आप लोग रिटर्न में दे दो, हम आपकी बात को सीएम तक पहुंचा देंगे। जब आप लोग चुनाव जीत कर आए थे, तो मुख्यमंत्री साहब से सीधी मुलाकात आप लोग भी हुई थी, तो क्या आज मुख्यमंत्री से मिलने का आप लोगों ने समय नहीं मांगा है? नहीं नहीं, आज हमने उस सीएम से मिलने की कोई बात नहीं की, हम सिर्फ मिनिस्टर जी से मिलने आए थे और उन्होंने हमारी बात को सुना भी और कहा कि हमें रिटर्न में दे दो, हम आपकी बात आगे तक पहुँचा देंगे। तो क्या सभी चेयरमैन यूनिटी बनाकर सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? बिल्कुल, देखो चेयरमैन की एक मेजोरिटी है कि वो इस बात को लेकर मीटिंग रख रहे हैं। हम अपनी बात को प्यार से और ठहराव से संतुष्टि से वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी बात को सीएम साहब सुनेंगे भी और उसको पूरा भी करेंगे। क्या किसी तरह की एसोसिएशन का गठन किया गया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। मैं मनीष जैन, नगर पालिका चेयरमैन फिरोजपुर झिरका, जिला मेवात। किस लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं? आज हमारी प्रेसिडेंट की यूनियन है, उनके आह्वान पर आज हमें माननीय मंत्री जी से मिलने का समय लिया था हमने, और जो हमें सूत्रों से पता चला है कि हमारी प्रेसिडेंट की, जो हमारे प्रधानों की जो पावर्स हैं उनको कम किया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर कि हमारी पावर्स किस लिए कम की जा रही हैं, उन बातों को, उन मुद्दों को लेकर हम मंत्री जी के समक्ष आ जाएँ। किस तरह की पावर कम की गई है? देखो, अभी रिटर्न में आधिकारिक तौर पर इस तरीके कोई घोषणा नहीं हुई है, पर हम लोगों को सूत्रों से और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि हमारी पावर्स को कम किया जा रहा है। मैं वीरेंद्र बंसल, चेयरमैन नगरपालिका त्रावणी से। आज हमें पता लगा था कि चेयरमैन की कुछ पावर जो है कम करने जा रहे हैं, इसलिए हम अपने मंत्री जी से, कमल गुप्ता जी से मिले और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी कम नहीं होने देंगे और ये हम सीएम साहब तक पहुँचाएंगे। इसलिए हम अपने सारे चेयरमैन की जो है एक गोहाना में मीटिंग बुला रहे हैं 10 बजे 6 तारीख को, शनिवार को। तो हम सारे चेयरमैन इकट्ठे होंगे। किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं उस मीटिंग में? कुछ नहीं, हमने तो अपनी मांग रखनी है, अभी हमारे जो हैं हक बढ़ाए जाएँ, हमारी जो है हमारी पावर कम नहीं की जाए, हमारी पावर बढ़ाई जाए। हमारे कोई इलेक्शन MLA से कम नहीं था।